डे 11 ऑफ 30 डे चैलेंज एनिमेट हनुमान के 10 सीक्रेट्स आपको पता नहीं होंगे। भाई इस मूवी के सेकंड पार्ट को एडिट किया था अनुराग कश्यप ने, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं करना, मेरे को कभी नहीं बनाऊंगा एनिमेट मूवी, क्योंकि भाई इनको इतना ज्यादा डर लग गया, क्योंकि भाई एनिमेटेड मूवी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भाई रिसेंटली किसी ने ट्वीट किया कि ये मूवी अभी तक की बेस्ट एनिमेटेड मूवी है इंडिया की, तो उस पर रिप्लाई करके अनुराग कश्यप ने बोला कि नहीं ये टेरिबल है क्योंकि मुझे एनिमेशन नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे भी बेस्ट मूवी बना सकते थे इसको, बट स्टिल भाई वो अभी भी हमारे हार्ट के क्लोज है। एनिमेशन वाइज तो नहीं पता बट इमोशन वाइज काफी ज्यादा क्लोज है। और इन्होंने बोला कि बेस्ट एनिमेटेड मूवी हनुमान को नहीं बल्कि जो रामायण बनी थी उसको बोलो कि उतनी ज्यादा तगड़ी थी। ये मूवी बनाने के पीछे इनका रीजन था इनकी बेटी, बेसिकली इनकी बेटी ने बोला था कि आप ना बहुत ही अलग टाइप ऑफ मूवीज बनाते हो, तो आप है ना हनुमान वाली मूवी बनाओ, कुछ अच्छी वाली मूवी बनाओ। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो फिर इन्होंने सेकंड पार्ट बनाया एनिमेटेड हनुमान का, और उसमें काफी चीजें ध्यान दिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ बनाने के लिए बना दिया, उसमें इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और जो बच्चे बुली होते हैं उस पर ध्यान देकर बनाई थी, जो कि अगर कोई बच्चा देखेगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखेगा। जिस वजह से सेंसर बोर्ड ने भी इसको एक एजुकेशनल फिल्म बोला था, ना कि एक एंटरटेनमेंट मूवी। फर्स्ट पार्ट ऑफकोर्स अच्छा था, बट सेकेंड पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें भाई क्या गाना था यार बहुत ही अच्छा गाना है। भाई इस गाने के पीछे बहुत ही अलग स्टोरी जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी, बेसिकली उसको गाया दलेर मेहंदी ने, मतलब तुनक तुनक दुम तुनक दुम तुनक दुम दुम ताना ना। बट सिंपली भाई दलेर मेहंदी को इसलिए चूज करा था कि हनुमान जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो इसको ऑफकोर्स भाई कौन मैच कर सकता है, या तो सुखविंदर सिंह या फिर दलेर मेहंदी, तो दलेर मेहंदी को डाला गया इसमें। बट दलेर मेहंदी एक ऐसे इंसान है जो इतने ज्यादा बड़े इस मूवी में, बाकी भाई सभी सिंगर्स छोटे 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 छोटे, बट इन छोटे सिंगर्स में एक ऐसा सिंगर था जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे उसके पहले बता दूं किड्स वर्जन का हनुमान चालीसा भी बनी थी इस मूवी के लिए, जो बहुत ही अच्छी चली थी, और उसमें काफी सिंगर्स ने काम किया था, उसमें एक सिंगर थे कैसे हुआ तो इतना, बट सिंपल भाषा में भाई अरमान मलिक, वही भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। वैसे जो भी यूट्यूब पे हनुमान चालीसा का वर्जन है वो काफी बड़े बड़े लोगों ने गाया बहुत ही अच्छे तरीके से, बट इन्होंने सोचा कुछ बच्चे का वर्जन निकालते हैं, किड वर्जन, तो शायद और बच्चे भी गाने लगे, इसलिए इन्होंने बच्चे ही चूज किए इसके लिए। आसमां को छूकर गाने में भाई इतना ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है उसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग है। भाई आप देखते हो उसमें 9/11 को अटैक हो जाते बचाते हैं, फिर एक बच्चा जो फुटबॉल नहीं मार सकता वो उसको बचाते हैं, जैसे मेरा मन एक बच्चे को उठा के फुटबॉल पर्सनल गोल्स, उसका जो नदी में एनिमल्स थे उनको नेटेन करना और उनका अच्छा से ध्यान रखना, और मेरा फेवरेट माउंट रशमोर वाला सीन है ना भाई, उसमें सब सीन चेंज करके राम जी और सबके चेहरे लगा देते, वो बेस्ट लगता है मेरे को। बट हाँ भाई इस गाने के लिए अलग से कोरियोग्राफर्स को बुलाया गया था, और ये कोरियोग्राफर्स प्रोफेशनल थे, बेसिकली उन्होंने बर्फी जैसी मूवी के लिए कराया कोरियोग्राफी, और ये मूवी में उन्होंने पूरा वीडियो बनाया था ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे, फिर उसको बाद में एनिमेशन में कन्वर्ट करा गया अलग अलग एनिमल्स के साथ। इस गाने के पीछे इतना ज्यादा मेहनत लगा था, वैसे मैंने पहली बार सुना कि एनिमेटेड मूवी के लिए कोरियोग्राफर को लाना पड़ा, वरना लोग कैसे डांस करते। इस मूवी में हनुमान जी को इंक्लूड करने के बावजूद 83 अलग अलग कैरेक्टर्स है, और सभी कैरेक्टर के अलग अलग 100 वर्जन बनाए गए, मतलब हनुमान जी का 100 वर्जन और हर एक कैरेक्टर के 20 वर्जन बनाए गए। भाई इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जिस वजह से इनका टोटल एनिमेशन पेज आया था भाई 1,00,000 पेजेस, मतलब 1,00,000 पेज इन्होंने किए इस मूवी के लिए। 1,00,000 वो एनिमेटेड मूवी में आता है जो बहुत ही बड़ी बड़ी पॉपुलर होती है, जैसे कि रामायण आई थी भाई 2008 में, ये मूवी आई थी और उस टाइम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इनको हर कलर्स, हर ड्रॉइंग, हर फ्रेम, एवरी सिंगल थिंग इनको मैन्युअली करनी पड़ रही थी, जो कि भाई ऑफकोर्स मेहनत ज्यादा लगती है, बट एट द एंड जो मेहनत जिस पे लगा रहे थे वो काफी सही मेहनत थी, और जो इमोशन इन्होंने ट्रिगर करने थे वो पूरे कर रहे हैं, और जो इनको मैसेज पहुंचाना था वो डेफिनेटली पूरा पहुंचा है। वैसे एनिमेटेड हनुमान का फर्स्ट पार्ट काफी हद तक हनुमान जी की स्टोरी पे बेस्ड था कि उनके रियल लाइफ में कैसा था क्या नहीं, बट इनका सेकंड पार्ट काफी हद तक मॉडर्न एरा पे हुआ था जो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था, बट इसके लिए भाई ऑलमोस्ट 12 स्टोरी लिखी गई फिर एक पिक करी गई। ऑफकोर्स शायद गलती भी होगी इस मूवीज में, बट अच्छाइयां भी होगी, बट इनका इंटेंट जो है ना काफी अच्छा था, जिस वजह से भाई हमको पसंद आती है मूवी। वैसे इसका फर्स्ट पार्ट 2005 में आया था, ये फर्स्ट पार्ट को उतना ज्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पाया, ठीक ठाक थी, बट जितना रिस्पांस इसके सेकंड पार्ट को मिला वो मतलब इनसेन हो गया। ये बनी 16 करोड़ में, और 16 करोड़ में भाई बनती है गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज, तो इतना ज्यादा पैसा लगा इस एनिमेटेड मूवी को, बट फिर भी इसने थिएटर में कमाया सिर्फ 1 करोड़ बस। बट जब ये मूवी पोगो पे आई, डिज्नी पे आई, मतलब भाई सब लोग पागल हो गए, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आई। बट ऑफकोर्स भाई टीवी पे आने से क्या ही पैसा कमा लेंगे, ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया मर्चेंडाइज बेच के, कम्पॉक्स बॉक्स बेच के, एग्जाम पैड बेच के, कपड़े बेच के, मतलब सब कुछ। पर्सनली बताऊं मैंने वो हनुमान जी का जो एग्जाम पैड होता है ना, जैसे स्कूल के ड्रेस में से खड़े रहते हैं हनुमान जी, वो वाला यूज किया, आपने कोई यूज किया बताना, क्योंकि मेरे को बहुत याद है अभी तक वो। जैसे अगर आपके भी बचपन में इन्होंने एनिमेटेड हनुमान का कुछ खरीदा है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। इसने टोटल 150 टाइप की मर्चेंडाइज बनाई थी, मतलब इतनी ज्यादा तगड़ी चली थी इनकी फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट का इनका मेन पर्पस था कि मूवी तो बनाएंगे बट उससे ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे मर्चेंडाइज और क्लोथिंग ब्रांड पे, और इन्होंने ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कमाया। वैसे इसको टून्स एनिमेशन स्टूडियो ने बनाया था, जो कि बहुत ही बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है भाई, मतलब भाई इंडिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी इन्होंने बनाई थी तेनालीरामा।
उसके बाद उन्होंने एनिमेटेड हनुमान बनाया, उसका पार्ट टू बनाया, उसके बाद उन्होंने वुल्वरीन बनाई, उसके बाद हॉरर हंड्रेड, मतलब काफी ज्यादा एनिमेशन बनाया और इंडिया का बना तो फेमस था। बट भाई सिंपल भाषा में आजकल ऐसे एनिमेटेड मूवी बनती नहीं, क्योंकि लोग बनाते नहीं, क्योंकि भाई ये मूवी सिर्फ बच्चों ने नहीं देखी, ये सब बड़े लोगों ने भी देखी है मूवी और काफी लोगों से कनेक्टेड है। मैंने रिसेंटली जो वायरल हुआ है राइज ऑफ हनुमान का टीजर देखा था भाई, कितना ज्यादा अच्छा था। मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग ऐसे टाइप का मूवी बनाते, क्योंकि जो पहली मूवीज थी ना वो काफी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आती थी, उसके साथ साथ ज्यादा लोग को बताती थी और हर बार अच्छी होती थी, मतलब उनका इंटेंट हर बार पॉजिटिविटी के ऊपर ही होता था। बट सिंपल भाषा में भाई द राइज ऑफ हनुमान को आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट मैं भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये मूवी रिलीज हो के साथ साथ भाई एनिमेटेड हनुमान मूवी से हमने काफी कुछ चीजें सीखी और आपको भी सीखना चाहिए। वैसे हमारा दिन भी तो देखो, फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया था शिव जी की वीडियो पे, आज 11th डे और हम कर रहे हैं हनुमान जी की। बेसिकली जो आप बोलोगे वो बनाएंगे, ये मेरे लिए बना था कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है मूवी। वैसे काफी लोग अलग कमेंट्स करते हैं, हर एक कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करो भाई कि आपको क्या मूवी देखनी है, किसके ऊपर देखना है। बाकी भाई 11 दिन हो चुके हैं, आपका कैसे चल रहा है 11th दिन? आपने फॉलो भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अभी भी नहीं तो कोई बात नहीं, 19 दिन बाकी कर लेना, बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। डे 11।